अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सहूलत कंप्यूटर एकेडमी चैनल। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि एक अनअलोकेटेड मेमोरी कब शो होती है और उसका हल क्या है। अनअलोकेटेड स्पेस मेमोरी शो होती है जब आप विंडो की पार्टीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, मैं विंडो 10 इंस्टॉल करूंगा, थोड़ा सा हम इसकी रिविजन भी कर लेंगे कि विंडो 10 कैसे इंस्टॉल की जाती है। विंडो को मैं यूएसबी से इंस्टॉल कर रहा हूँ। विंडो का जो पायदार तरीका होता है वो आप या नेटवर्क से कर लें या यूएसबी से कर लें, दोनों ही बेहतर होते हैं। इस वक्त मैं यूएसबी से विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरे पास ही मल्टीपोर्ट यूएसबी है। हमारे ऑप्शन भी साथ साथ देखें और रिवाइज होते जाएंगे आप, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। व्यूअर्स, एक्चुअल होता यह है कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक एरर आ जाता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो नॉर्मली आपको ये कहा जाता है कि आपकी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ गए हैं या आपकी हार्ड डिस्क करप्ट होने वाली है। लेकिन इसके इंतहाई सादा सा सोल्यूशन होता है, आप अपनी हार्ड डिस्क को बिल्कुल जाया ना करें। हाँ, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो क्या मसाइल आएंगे कि आपकी हार्ड डिस्क जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा कंप्यूटर को डिस्टर्ब करेगी और आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। देखिए, मैंने पार्टीशन क्रिएट की, ये मैंने कुछ स्टेप मिस किए हैं ताकि जल्द अज जल्द हम इस अपने पॉइंट की तरफ आए। मैंने ये पार्टीशन क्रिएट की, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मेरे पास 8 GB की हार्ड डिस्क है। ये देखें, अभी इसके ऊपर पार्टीशन यकीनन क्रिएट हो जाएगी लेकिन अपने एरर के साथ। अभी आप देखें, ये देखें मेरे पास ये पार्टीशन तो यकीनन क्रिएट हो गई है लेकिन आप देखें ऊपर अनअलोकेटेड स्पेस आ रहा है और सेम यही एरर नीचे भी आ रहा है 0.0 MB का और ये अनअलोकेटेड। व्यूअर, याद रखिएगा, ये इतनी चीजें भी होती हैं ये आपकी विंडो को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आइए अगर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सबसे बेहतर ये होता है कि आप इसको डिलीट कर दें। अगर आप इसको रनिंग भी देंगे तो जो हम प्रोसेस करेंगे उस पर तब भी ये मसला हल हो जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप अपनी पार्टीशन को डिलीट कर दें। व्यूअर, यहाँ पे एक खास बात याद रखिएगा, अगर तो आपकी हार्ड ड्राइव में डेटा है तो डाटा को सेव करना बहुत जरूरी है। जो लोग कंप्यूटर पर डेली बेस पे काम करते हैं वो तो मेरी बात ही समझ रहे होंगे, लेकिन आम यूजर के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना डाटा को सेव करें। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे हार्ड डिस्क तो बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी, उसके अंदर एरर भी खत्म हो जाएगा, आप अपनी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आप अपना डेटा जाया कर दें। तो आप जब भी ये काम करें आप इसको इंतहाई एहतियात के साथ करें या आप किसी की सुपरविजन में करें काम इसको। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी दूसरे हार्ड ड्राइव के ऊपर जो खराब होती है। देखें, इसके बाद जो ही ये मेन्यू है, मैंने प्रेस किया है Shift F10, कंप्यूटर रिस्टार्ट किया। जब हम दोबारा इंस्टॉलेशन पहुंचे तो मैंने ये Shift F10 प्रेस किया। देखें, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने जो ही प्रेस किया था मेरे पास command.com का एक विंडो खुल के आ गई है, पॉपअप टाइप विंडो मेरे पास खुल के आ गई है। यहाँ पे मैं चंद कमांड डायल करूंगा, आप व्यूअर्स ये कमांड बेहतर है आप अपने पास लिख लें। पहली कमांड होगी डिस्क पार्ट की। डिस्क पार्ट का मतलब क्या है कि आप अपनी डिस्क पार्ट में एंटर हो रहे हैं, आप अपनी डिस्क की पार्टीशन में एंटर हो रहे हैं। अब डिस्क पार्ट में आप आ गए हैं, आप पहले सिलेक्ट करेंगे किस डिस्क की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है तो वो जीरो होगी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा सिलेक्ट डिस्क जीरो। अगर मेरी दूसरी हार्ड डिस्क की तो मैं बंद कर देता। ये देखें, सिलेक्ट डिस्क जीरो करने के बाद मैं डिस्क पार्ट जीरो में आ चुका हूँ। यहाँ पे आके मैं अपनी हार्ड ड्राइव को क्लीन कर दूंगा, यहाँ पे जितने भी एरर होंगे मेरी हार्ड ड्राइव के वो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे साथ आपका डाटा भी खत्म हो जाएगा। जिस हार्ड ड्राइव को आप क्लीन कर रहे होंगे आप याद रखिएगा उससे डेटा निकालना बहुत जरूरी है। मेरे पास जो हार्ड ड्राइव थी ये ऑलरेडी इसके अंदर डेटा नहीं था, मैंने डेटा को साइड पे कर लिया था, सेव कर लिया था। तो जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो मेक श्योर कि आप अपने डेटा को सेव कर लें। ये देखिए, मैंने दोबारा से ये पार्टीशन क्रिएट की है और विदाउट एरर मेरे पास पार्टीशन क्रिएट हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।